नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत महान है। हमारे देश में तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जड़ी बूटी अपने आप कहीं पर भी उग जाते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी गांव में क्यों नहीं रहते हो, वहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ हमारे जीवन को सरल बनाने का काम करते हैं। पहले के समय में इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कई तरह की बीमारियों को ठीक कर लिया जाता था। और दोस्तों, आज भी ये वनस्पतियाँ ज्यों का त्यों हमारे देश भारतवर्ष में पाई जाती है। आपको सड़क के किनारे, नदी नालों के आसपास, तालाबों के आसपास, जहाँ पर पानी लगा होता है, वहाँ पर ये वनस्पतियाँ आज भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक वनस्पति है जिसे आपने घर के नज़दीक, तालाबों के आसपास, नदी के आसपास जरूर देखा होगा। यह वनस्पति खास तौर पर नदी के आसपास सबसे ज़्यादा मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत वनस्पति के बारे में जो आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं घनेरे की। इसको अंग्रेजी में लंटाना कैमरा कहते हैं। इसको अपने देश भारत में कई जगहों पर इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे गोटी काड़ी, रायमुनिया इत्यादि भी कहते हैं। यह एक झाड़ीदार पौधा होता है, इसमें कांटे भी लगे होते हैं। इसके फल पकने के पहले बेरी जैसे हरे और पकने के बाद लाल एवं काले रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, इस वनस्पति को मराठी में तड़तड़ी कहते हैं तो तमिल में तिरई कहते हैं। यदि आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अन्य दर्शकों को भी पता चल सके। दोस्तों, यह वनस्पति बेहद खूबसूरत व मोहक होता है। इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ इस पर बहुत सारे बीज भी लगे होते हैं। यह आपको कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। ख़ास तौर पर आपको जहाँ पर तालाब होता है, पानी लगा होता है, वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, इस वनस्पति के बहुत सारे अन्य फायदे भी होते हैं। यदि घाव हो गया है, घाव जल्दी भरता नहीं है, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, घाव ठीक हो जाता है। यदि सर्दी खांसी की समस्या है तो दोस्तों इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से सर्दी खांसी में राहत मिलती है। बहुत से लोग अभी भी इसके पत्तियों से बनी हुई चाय का सेवन भी करते हैं, जिसे शरीर में फुर्ती आती है। यदि सर दर्द की समस्या है तो दोस्तों इसके पत्तियों को मसल कर सूंघने से सर दर्द व सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अगर आपके आसपास पानी जमा हो गया है और इतना ज़्यादा है कि साफ नहीं कर सकते, तो इसके पत्तियों को पीस कर पानी में डाल देने से पानी से यदि गंध आता हो तो गंध मिट जाता है। साथ साथ वहाँ पर मलेरिया के लार्वा भी मर जाते हैं, जिससे मच्छर पनपते नहीं हैं। इसके साथ साथ यदि आपके घर के आसपास ज़्यादा मच्छर रहते हैं तो दोस्तों इसके सूखे हुए पत्तों को जलाने से मच्छर काफ़ी हद तक भाग जाते हैं। इनके पत्तियों का अगर आप चाहें तो धुआं भी कर सकते हैं, धुआं करने से भी मच्छर भाग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे घनेरे के बारे में जानकारियां शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।